If you like our video, don't forget to share, comment and subscribe and press the bell icon to receive the latest updates from peepingmoon.com. मेरा नाम है कर्नल आरजे आलोक और आज के दिन सबसे पहले कहानी को डिकोड करते हैं। फिल्म की कहानी है कर्नल अभय सिंह और मेजर जय बख्शी की, जो कि किरदार निभाया है मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, गुरु के पीछे शिष्य है और शिष्य के पीछे गुरु। आखिरकार इन दोनों में क्या झड़प होती है, किन किन पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर बात की गई है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीरज पांडे ने अपनी तरफ से प्रकाश डालने की कोशिश की है, ये सब कुछ दर्शाया गया है। अय्यारी का मतलब क्या होता है, अय्यार किन्हें कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले एक्टर्स इसमें क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में किस भूमिका में नजर आने वाले हैं, ये सब कुछ आपको थिएटर तक जाकर ही पता चल पाएगा। अब आइए डिकोड करते हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को। जब भी मनोज बाजपेयी आपके सामने आते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे जुमले वो आपके सामने रखते हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आती है, लेकिन ऐसे मौके फिल्म में आपको बहुत कम नजर आते हैं। और अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो काफी बिखरा बिखरा सा स्क्रीन प्ले है, जिसे बहुत ही टाइट और दुरुस्त किया जाता तो फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्प नजर आती। अब आइए डिकोड करते हैं फिल्म के एक्शन और म्यूजिक को। फिल्म की रिलीज से पहले इसका कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो कि सुपर डुपर हिट हो, और जैसा टिपिकल नीरज पांडे की फिल्मों में होता है, आपको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है, किरदार बहुत देर तक चलते रहते हैं और उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट भी हो जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक सा है, जिसे और भी बेहतर किया जा सकता था। आइए डिकोड करते हैं फिल्म की परफॉर्मेंसेस को। मनोज बाजपेयी कर्नल के रूप में काफी उम्दा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और जब भी आप उन्हें देखते हैं तो जोश से भरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा से नीरज पांडे ने काम निकलवा लिया है और कह सकते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की बेहतर फिल्मों में से ये फिल्म अय्यारी उनके विकिपीडिया में लिखी जा सकती है। फिल्म के बाकी किरदार जैसे अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, रकुल प्रीत या फिर आदिल हुसैन या कुमुद मिश्रा, इन सब ने सहज अभिनय किया है। हेलो अल्फा अल्फा बीटा बीटा। फिल्म की एडिटिंग को डिकोड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म 2 घंटे 40 मिनट की है, जिसे टाइट करना बहुत जरूरी था। एक तरफ लव एंगल चलता है, दूसरी तरफ फ्लैशबैक का सीन आता है, फिर 4 दिन पहले क्या होता है, फिर 10 दिन पहले क्या हुआ था, ये सारी बातें दर्शाने में एक तरह से कहानी विस्मृत सी होती जाती है, अपनी लीक से हटती हुई दिखाई देती है। अगर इस फिल्म को बहुत ज्यादा चॉप किया जाता और लगभग 2 घंटे 15 या 2 घंटे 17 मिनट का बनाया जाता तो फिल्म और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती थी, यानी कमजोर कड़ी इस फिल्म की एडिटिंग है। अब आइए फिल्म के डायरेक्शन को डिकोड करते हैं। नीरज पांडे की एक खास आदत है, उनके कुछ खास फ्रेम हैं जिसमें लोग चलते हुए नजर आएंगे और उन किरदारों के साथ आप भी चेस करते हुए दिखाई देते हैं। और आइए अंत में हम डिकोड करते हैं इस फिल्म की रेटिंग। peepingmoon.com के इंटेलिजेंस रूम से हम आपको बता दें कि अय्यारी फिल्म को हम देते हैं 5 में से 2.5 मून। और इससे पहले यहां पर किसी का छापा पड़े, हम यहां से रफू चक्कर हो लेते हैं। अगली बार किसी नई फिल्म की समीक्षा के साथ उसको डिकोड करते हुए हम आपसे यहीं पर रूबरू होंगे। टिल देन बीटा उनकी सारी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए peepingmoon.com। अल्फा अल्फा बीटा गामा थीटा।